क्या मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एक परफेक्ट फैमिली कॉम्पैक्ट एसयूवी है? क्या इसके डीजल इंजन में टर्बो लैग है? तो चलिए जानने के लिए शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के लॉन्ग टर्म रिव्यू की। वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। सो आज का हमारा जो रिव्यू है वो रहने वाला है विटारा ब्रेजा को लेके। इसको हम एक कह सकते हैं लॉन्ग टर्म रिव्यू हम इसका करेंगे या फिर इसको कह सकते हैं कि हम ऑनरशिप रिव्यू आज हम इसका करने वाले हैं। तो इसके ऑनर से मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा दूँ। तो ये हैं मिस्टर अवतार जो कि इस गाड़ी के ऑनर हैं। तो अवतार, सबसे पहले मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि ये गाड़ी का एक इंजन का ओवरव्यू मैं दे दूं कि जैसे ये गाड़ी जो है सो वो जो है हमें 200 Nm का टॉर्क देती है ऑन अराउंड 1715 RPM। सो जो कि मारुति ने काफ़ी जिसके ऊपर अच्छा काम किया है। पुरानी अगर डिज़ायर की बात करें या दूसरी स्विफ्ट की बात करें तो वो 2000 RPM पर हमें अपना जो मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। सो ये नई टेक्नोलॉजी इसमें लेके आए थे तो इन्होंने इसमें काफ़ी चेंजेस लाए थे। अब बात करते हैं ऑनर से और जानते हैं कि इनको लिए हुए इनको कितना टाइम हो गया और अब तक कितने सेटिस्फाई हैं। तो अवतार भाई, आप बताएंगे कि आपने कब परचेज़ की थी ये गाड़ी? सर, मेरे को अभी जुलाई में 7 जुलाई को 3 साल हो जाएंगे। इसको 3 साल हो जाएंगे। अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूं तो आपने कितनी चला दी है? किलोमीटर मैंने 71 या समथिंग चला दिया है। 3 साल में 71,000 आप चला चुके हो जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि आपकी जो रनिंग है, डेली यूजेस है आपका, वो काफ़ी रहता है आपका डेली। सो इसी पर्पज़ से आपने डीजल वेरियंट चूज़ किया होगा? हाँ, डीजल भी प्लस है। एक्चुअली मैंने काफ़ी कुछ देख के, तो गाड़ी मतलब स्पेस है कुछ, रोड के लिए इसका अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा, काफ़ी अच्छा है, और रोड के जहाँ से मतलब कभी टूटे फूटे रोड में भी काफ़ी इसका अच्छा सस्पेंशन वगैरह सारा कुछ अच्छा है। कभी हम चाहें तो ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं है। प्लस इसमें सबसे ज़्यादा है कि माइलेज बहुत अच्छी है इसकी। माइलेज अच्छा है? हाँ, जैसे आप लोकल में 20 की तो एवरेज दे रही है मेरे पास। हाँ, जैसे कि कंपनी अगर देखें तो कंपनी जो है 24.3 का जो है क्लेम करती है। जी जी भी। बट उसके अगेंस्ट ये अगर यूज़र को 20 प्लस दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है एक एसयूवी होने के नाते। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेंटेनेंस चार्ज आपको पता है मारुति का काफ़ी मतलब नॉमिनल सा रहता है। हाँ, ज़्यादा नहीं। मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब मारुति गाड़ी में यूज़ कर रहा हूँ। आपने इससे पहले मारुति की गाड़ी ली? हाँ, मैंने डिज़ायर थी तो उससे पहले ऑल्टो थी, तो उससे पहले मारुति 800 थी। मतलब शुरू से मतलब इसका अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे लिए। हाँ, तो मारुति का जो ट्रस्ट है इंडियन मार्केट के हिसाब से वो आपके बिल्कुल बना हुआ है। और इस ये भी एक वजह रही होगी कि आप दूसरे ब्रांड जैसे इको स्पोर्ट या नेक्सन के लिए नहीं गए होंगे। आपने सोचा कि सेम ब्रांड में ही कोई अच्छी अपग्रेडेड? मैं इससे मतलब काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, अब तक का जो मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा है इसमें। तो अगर मैं बात करूँ ऑन रोड प्राइस की तो आपको कितने में पड़ गई थी ये जब आपने 3 साल पहले परचेज की थी? सर, मुझे 9 लाख मतलब 50,000 मतलब 9.5 से के समथिंग पड़ी। 9.5 के? हाँ, ऑन रोड। ये टॉप मॉडल है? टॉप मॉडल से मतलब आप एक मिनट नीचे ही बोल सकते हैं इसको, मतलब ZDI+। अच्छा, ZDI+ चाहिए। और सिटी माइलेज की हमने बात कर ली कि 18 to 20। और हाईवे पे देखा कभी आपने चेक करके कि हाईवे पे क्या माइलेज निकाल? हाईवे पे मेरे ख्याल से 24-23 के समय। तो जैसा कि अवतार भाई ने हमें बताया कि ये टॉप मॉडल है, ZDI+ है ये।
और अगर इसमें हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में आपने क्या क्या देखा था? मेरे हिसाब से इसमें 2 एयर बैग्स हैं ड्राइवर साइड के लिए भी और को ड्राइवर के लिए भी सेफ्टी एयर बैग इसमें दिए हुए हैं। बाकी AVD इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये था इसका एक ओवरव्यू या ऑनर से कह सकते हैं कि इसका आज तक की डिटेल या हॉनेस्ट रिव्यू हम इसको बोल सकते हैं कि आज तक जो इन्होंने चलाया है उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस रहा इनका तो काफ़ी अच्छा इनका कुल मिला के इसके लिए रिस्पॉन्स है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जैसे आपने बताया कि पहले आपने डिज़ायर रखी थी, तो डिज़ायर को चलाती बार आपको अच्छा मतलब फ़न टू ड्राइव उसमें अच्छा लगता था या फिर ये वाली में अच्छा लगता है? दोनों का अलग अलग टेस्ट है। हाँ थोड़ा फ़र्क है, ये थोड़ा सा आपको एक्सयूवी फील देगी। हाँ वो जो सेडान में आ गई वो ठीक है, वो तो जैसे हैचबैक सेडान या वो एसयूवी टाइप हो गया। इंजन का रिस्पांस कैसा है? इंजन मतलब कि जो इनिशियल पिकअप रहता है वो उसमें अच्छा था या फिर इसमें अच्छा लगता है? थोड़ा इसमें बेहतर है, इसमें बेहतर लगता है, थोड़ा बेहतर है। हाँ क्योंकि 1750 RPM पर ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है सो वो ज़्यादा ही होगा। ओके सर, मतलब ऑल ओवर देखें तो मुझे अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है, मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा है। अच्छा कुछ लोगों से मुझे पता चला कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, कि जो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट है जी, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। नहीं सर इस तरह नहीं है, पता नहीं। तो हम बात करें तो कितने में लगभग इसकी जो नॉर्मल सर्विस हो जाती है? अगर आप कुछ मेरे ख्याल से 45-5 हज़ार के बीच होगा। हाँ मतलब बढ़िया, अगर आप एजेंसी से कराओ हाँ तो उसमें हो जाएगी क्या? और आज तक कोई आपने कुछ ऐसा ब्रेकडाउन मेजर कुछ एक्सपीरियंस किया हो नॉर्मल सर्विस के अलावा, कोई आपको खर्चा पड़ गया हो? अब तो ऐसा कोई खर्चा नहीं, मैं तो जब से ली हूँ तब से चलाया जा रहा है, सर्विस करा रहा हूँ। और अब देखो मैंने टायर भी अब जाके चेंज करवाए हैं। तो टायर कितने चला रही है जो कंपनी फिटेड आए थे टायर? वो मेरे आप मान के चलो 70 के करीब 69 वो चला के उसके बाद आपने चेंज करवाया। मतलब आप देख लो कि 3 साल होने वाले हैं, मतलब अभी फर्स्ट सेट है जो आपने चेंज करवाया, बट गाड़ी जो है 71,300 के अराउंड जो है वो चल चुकी है। बाकी कोई ऐसा कोई इसका मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई और पार्ट कोई इसका भी चेंज कराया, कोई मतलब ऐसा फॉल्ट नहीं आया कि गाड़ी चलती चलती बंद हो गई या बंद हुई स्टार्ट ही नहीं हुई सुबह, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरी थोड़ी ड्राइविंग भी रफ है और सर्विस के मामले में थोड़ा मैं ढीला हूँ। अगर जैसे मतलब 200-300-400 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही खींच के उसके बाद ही करवाता हूँ। चलो उतना तो हाँ, मतलब कोई इतना नहीं कि जाता है। हाँ मेरे मानना है कि अगर आप थोड़ा लेट करो तो ये अपना एडजस्टमेंट हो जाता है, ये पंजाबी बोलते हैं कि मार चल लोगे जी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, रफ एंड टफ यूज़ के लिए बनी गाड़ी चल सकती है कोई। आप जैसे पीछे भी आप 3 लोगों के लिए आप 4 भी डाल दो तो मतलब कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए। हाँ तो वो ये चीज़ एक मैंने नोटिस की थी कि कुछ लोग कहते हैं कि सस्पेंशन इसका थोड़ा हार्ड है, सो जो मुझे लगता है कि हमारा इंडियन का जो यूज़ है उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें हार्ड साइड हो तो चल जाता है कि कभी हमने कोई कहीं गए हैं तो एक पर्सन एक्स्ट्रा हो गया तो चलो बैठ जाओ यार, चलो बैठ जाओ, तो रफ एंड टफ यूज़ के लिए भी फिर गाड़ी को हम थोड़ा सा यूज़ उस तरीके से कर लेते हैं। बिल्कुल, अभी हम लेंगे इसकी टेस्ट ड्राइव, सो इट्स टाइम टू क्रूज़। तो आप तो इसको रोज चलाते हैं, अभी इसको मैं चलाऊंगा और अब देखेंगे हम इसको चला के कि ये कैसे चलती है। ठीक है, मेरे पास भी फ्रेंड्स ऑलरेडी डिज़ायर गाड़ी है, मैं भी चलाता हूँ, सो मैं चलाऊंगा और आई विल टेल यू कि क्या डिफरेंस है, कैसी चलती है ये और इसकी इनिशियल पिकअप और हाई एंड पे कैसा टॉर्क इसका रहता है, रिस्पॉन्स कैसा रहता है इंजन का। सो चलिए टेस्ट ड्राइव लेते हैं और उसके पहले मैं आपको एक गाड़ी का चारों ओर ओवरव्यू एक चेकआउट करवा देता हूँ, उसके साथ ही हम पीछे कैबिन में चल के देखते हैं स्पेस कैसा है और फ्रंट कैबिन का जो इंटीरियर है उसका एक चेकआउट करवा के फिर बूट स्पेस चेक करने के बाद हम इसका टेस्ट ड्राइव देंगे। सो लेट्स गो गाइस। माय कार इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद ऑल टैब पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। सो हाय फ्रेंड्स, एज यूजुअल पहले
डोर पैनल से स्टार्ट कर लेते हैं। फैब्रिक और प्लास्टिक से ये मैन्युफैक्चर किया गया है। बॉटल होल्डर में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलेगा, विंडो के पावर कंट्रोल, और डोर को पकड़ के खींचने से आपको लगता है कि कुछ दमदार चीज़ है। मारुति ने इस मॉडल में एटलीस्ट काफ़ी अच्छा इसमें यूज़ किया गया है मटेरियल। और यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिल जाएंगे ट्विटर, ये जेड मॉडल में ही अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद एसी के बैंट, और स्टेयरिंग की मैं बात करूं तो इसमें कंट्रोल बटन आपको दिए गए हैं। एयरबैग यहाँ पे प्लेस किया गया है, की कुछ इस तरह की है जो कि पहले वाली डिज़ायर के सेम डिज़ाइन वैसी है, इसमें कुछ उतना इन्होंने मारुति ने चेंज नहीं किया है। बाकी ये लाइट्स के कंट्रोल है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, और सेंटर में आपको मिल जाता है MID मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। अगर मैं मीटर्स की बात करूं तो दोनों एनालॉग टाइप की मीटर्स हैं, और इसमें डिस्प्ले में अगर हम देखें तो इसमें मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जैसे एवरेज अभी भाई ने बताया कि मैं 20 के अराउंड माइलेज ले रहा हूँ, सो आप देख सकते हैं 20.2 का माइलेज अभी ये दे रही है, जबकि भाई की चलाई जो है वो लोकल एरिया में काफ़ी इनका रनिंग रहता है। उसके बाद रेंज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसमें काफ़ी डिस्प्ले ऑप्शंस होते हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड की मटेरियल क्वालिटी ठीक ठाक है, मारुति जिस तरीके से देता है अपने मॉडल्स में। और विजिबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद चलते हैं हम इसके सेंटर कंसोल की ओर। आर्म रेस्ट यहाँ पे टॉप मॉडल है, बट आर्म रेस्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हैंड ब्रेक्स ग्लॉसी फिनिश के साथ, गियर लीवर, और इसके हम एसी की बात करें तो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम भी इसमें दिया गया है। बट 3 साल पहले भाई ने गाड़ी ली थी तो उस टाइम टच पैनल का उतना प्रचलन नहीं था, इसलिए कंपनी ने ये वाला मॉड सिस्टम दिया हुआ है। आज की डेट में शायद टच पैनल जो है वो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद ग्लोब बॉक्स नीचे दिया हुआ है एज अदर। ट्विटर इस साइड भी आप देख सकते हैं, ट्विटर यहाँ पे प्लेस किया गया है। और सनवाइज़र की हम बात कर रहे हैं तो को-ड्राइवर साइड भी आपको वेनाइटी ऑप्शन विद लाइटिंग दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ड्राइवर साइड में वेनाइटी ऑप्शन और लाइट नहीं मिलता, क्योंकि भाई ड्राइवर को गाड़ी चलानी होती है, उसको मेकअप नहीं करना होता है, इसलिए शायद उन्होंने इधर नहीं दिया है। तो मारुति ने इस सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा हुआ है। अगर आप गाड़ी में बैठ के बात करना चाहते हैं तो उसके लिए माइक यहाँ पे दिया गया है, ब्लूटूथ म्यूज़िक सिस्टम में इनबिल्ट है, आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। और कैबिन में लाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 लाइटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, एक टाइम में आप एक भी प्रेस करके एक यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके यूज़ के हिसाब से आप कुछ। और यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेस दिया हुआ है, आप अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो। और नीचे मैं देखूं तो यहाँ पे 12 बोल्ट का एक प्लग दिया हुआ है जो लाइटिंग लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर मैं फ्रंट कैबिन की बात करूं तो इसकी क्वालिटी और फीचर्स और ओवरऑल अपीयरेंस ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। मेरा मानना पर्सनली यही है कि ये काफ़ी अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं पीछे कैबिन की, और उसमें देखते हैं लेग रूम और अदर डिटेल्स। अभी मैं आ चुका हूँ पीछे, बट मेरी यहाँ पे टांग अड़ रही है भाई, थोड़ा इसको आगे कर दो। हाँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके, मेरी हाइट जो है 5'11" के अराउंड है, थोड़ा सा इसको आगे करके उसके बाद ये काफ़ी कम्फर्टेबल है। सेम इस प्रकार दूसरी साइड से भी हमें स्पेस इतना मिल जाता है। पीछे तीन लोगों के बैठने की जो है वो ठीक ठाक स्पेस है। और हेडरेस्ट की मैं बात करूं तो ये डी अटैचेबल हैं, सेम पीछे वाली सीट्स पे भी आपको डी अटैचेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। पार्सल ट्रे इस प्रकार से दी गई है। और अगर मैं गाड़ी में स्पीकर्स की बात करूं तो चारों विंडोज़ में स्पीकर्स दिए हुए हैं, और बैक में भी एक कैबिन लाइट है। ओवरऑल कुछ ऐसे इस तरीके से दिखती है ये गाड़ी। तो चलिए अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की ओर, और उसके बाद करेंगे इसका टेस्ट ड्राइव। ज़रा बूट स्पेस ओपन कर दीजिए। सो भाई ने कुछ अपना यूटिलिटी
कुछ मटेरियल रखा है, रहने दीजिए। और अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो ठीक ठाक है। अगर टाटा नेक्सन या दूसरी गाड़ियों में अगर देखें इको स्पोर्ट में, अगर उससे अगर हम कंपेयर करें तो इसका हल्का सा कम है। बट जब मारुति की बात आ जाती है कि हमारा ट्रस्ट बना हुआ है और हमने लेनी ही मारुति की गाड़ी है, तो फिर हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा कर सकते हैं कि चलेगा, 19-21 का फ़र्क जो है वो चल जाता है। चलिए, इसके साथ बैक वाइपर, बैक स्पॉइलर, लाइटिंग कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। बम्पर में नीचे डिफ्यूज़र या बॉडी किट इसको कहते हैं, वो लगा हुआ है। पीछे रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं। व्हील्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी फिटेड इसमें व्हील दिए गए हैं, 16-inch के अलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये ZDI मॉडल है तो इसमें ऑलरेडी दिया गया है। साइड प्रोफाइल में डोर हैंडल और इंडिकेटर फ्रंट फेंडर पे दिया गया है। फ्रंट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे। फॉग लाइट की बात करें तो फॉग लाइट नॉर्मल वाली फॉग लाइट इसमें रहने वाली है, साथ में एक रिफ्लेक्टर है। बॉडी किट नीचे दिया गया है सिल्वर लुक में। फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन ऊपर एक क्रोम ग्रिल, उसके बीच में ब्लैक का एक एलिमेंट और सुजुकी का लोगो। सो ओवरऑल गाड़ी की प्रोफाइल लुक की बात कर रहे हैं तो बहुत ही डिसेंट है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो क्रीज लाइन हैं जो कि इसको और एरोडायनेमिक बना देती हैं। इंडिकेटर ठीक फ्रंट फेंडर के ऊपर प्लेस किए गए हैं। डोर हैंडल का डिज़ाइन सिल्वर फिनिश है। सो चलिए, अब बारी आती है एक टेस्ट ड्राइव की, जो हम अब इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे। उससे पहले एक लुक मैं इसके इंजन की आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार इसका बोनट खोल के हम इसका इंजन दिखा देते हैं किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये रहा इसका 1.2 लीटर डीजल इंजन। हैव अ लुक जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। काफ़ी सारे कंपोनेंट इसमें प्लेस किए गए हैं। ओके, क्लोज। सो नाउ लेट्स गो फॉर टेस्ट ड्राइव। अभी हम गाड़ी को अपने हिसाब से चला के देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चलती है ये गाड़ी। सेफ्टी बेल्ट ज़रूर पहन लें जब भी गाड़ी चलाएं हम, सेफ्टी बेल्ट जो है वो मस्ट है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में लोगों को यही संदेश देता हूं कि जब भी हम गाड़ी चलाएं अपने साथ बैठे लोगों को भी सेफ्टी बेल्ट पहनने के लिए बोलें और ख़ुद भी पहनें। ये देखिए बीप का साउंड दे रही है, ये मानेगी तभी जब मैं इसको सेफ्टी बेल्ट लगा दूंगा। सो दोस्तों, अभी हम इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। अगर मैं इसकी फ्रंट विजिबिलिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है और रियर व्यू में भी काफ़ी पीछे से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मैंने नेक्सन ट्राई की थी, उसका जो रियर व्यू है वो बहुत ही कम है, उसको काफ़ी ऊंचा बनाया गया है इसलिए वो काफ़ी कम है। अगर RPM की मैं बात करूं तो अभी 1700 RPM पर ये काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। थर्ड गियर में ये 80 को टच कर रही है, अराउंड 80। चलाने में काफ़ी, मुझे तो पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे पास डिज़ायर है, डीजल है, वो भी VDI है, उससे मुझे ये काफ़ी लाइट लग रही है चलने में। और सस्पेंशन उससे अगर कंपेयर करूँ तो सस्पेंशन भी अच्छा है इसका। भाई साहब रास्ता दे दो, हमें जाने दो। बाकी कैबिन नॉइस की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल है, लाइक अदर डीजल इंजन कार्स। यस, डीजल इंजन की विसल जो है वो कैबिन में सुनाई पड़ती है। बाकी क्लच गियर ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्ट साइड में ही हैं, हैंडल भी सॉफ्ट साइड में ही है और हाई एंड स्टेबिलिटी मैं कह सकता हूं 100-120 पे काफ़ी अच्छी रहती है, स्मूथ है। ओवरऑल इंजन का रिस्पांस अच्छा है, अच्छा पंची इंजन इसमें लगा हुआ है, फाइन ट्यून्ड इंजन हम इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा टर्बो लैब है जो कि सिटी कंडीशन में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको उतना ही फन टू ड्राइव रिस्पॉन्स आपको नहीं देगी, बट ओवरऑल गुड इंजन, गुड परफॉर्मेंस, गुड कार।
डीजल इंजन गाड़ी जो है वो थोड़ा एडवांस में गियर मांगती है, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंजन जो है वो उतना पावरफुल नहीं है, या कहते हैं कि इंजन दब जाता है, बट वो थोड़ा एडवांस में गियर मांगती है कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल। सो ये था इसका टोटल ओवरऑल टेस्ट ड्राइव और ओवरऑल एक रिव्यू, होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इसको कंक्लूड करते हैं और ऑनर के साथ करते हैं आगे की बात। तो चलिए अब वक्त आ गया है वीडियो को क्लोज़ करने का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का भी मैं इस तरीके से रिव्यू करूं, ऑनरशिप रिव्यू करूं या फीचरिंग करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिए, आई विल बी कॉलिंग यू शॉर्टली। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो को क्लोज़ करने से मैं पहले बता दूँ कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे उस टाइम के हिसाब से इसमें टच पैनल जो है वो नहीं दिया गया था। बूट स्पेस अगर हम कंपेयर करें अदर ब्रांड से तो कम है, बट वो चल जाता है, वो कॉम्प्रोमाइजेबल है और मैनेजेबल थिंग्स हैं, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट उसके साथ ही हमें मारुति का जो ट्रस्ट मिलता है वो इस गाड़ी में है। और माइलेज और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आई थिंक इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली ये गाड़ी है। बाकी ऑनर ने आपको बता ही दिया कि मैंने ये क्यों परचेज़ की थी, उनको क्यों क्या चीज़ें इसमें पसंद थी। इंडियन मार्केट में अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 में ये गाड़ी हमेशा रहती है। और हमारे रिव्यू या हमारे बताने की बात नहीं है, हम सड़कों पे देख सकते हैं कि जैसे पहले स्विफ्ट दिखती थी, आजकल यही गाड़ी हर जगह हमें दिखती है। सो हर किसी का अपना व्यू हो सकता है, मगर जो डेटा हैं वो बोलते हैं कि ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी व्हीकल है ये। और हाँ, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।